with his job. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, मैं हूं ज्योति और हमेशा की तरह मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं LIC का न्यू जीवन अमर प्लान, जिसका कि टेबल नंबर होता है 955। तो फ्रेंड्स, अगर हम लोग इसकी बात करें तो ये पूरी तरीके से प्योर टर्म प्लान होता है। यानी कि टर्म प्लान का मतलब होता है दोस्तों कि मैच्योरिटी पे अगर इस पॉलिसी में पॉलिसी टर्म के दौरान कुछ भी नहीं होता है पॉलिसी होल्डर के साथ, तो मैच्योरिटी पे उसको कुछ भी नहीं मिलता है। जो मैच्योरिटी है उसकी वो ज़ीरो हो जाती है। तो फ्रेंड्स, टर्म प्लान का मतलब यहाँ पे यही होता है कि मैच्योरिटी कुछ भी नहीं मिलेगी, लेकिन अगर इन केस अगर टर्म चल रही है और टर्म ये टर्म है अगर फ्रेंड्स ये टर्म चल रही है और इन केस अगर इसके बीच में कुछ पॉलिसी होल्डर के साथ हो जाता है, तो यहाँ पे जो अमाउंट होता है वो पे आउट होता है LIC के द्वारा। और इन केस अगर टर्म जो है वो एंड हो गई और टर्म एंड होते ही अगर पॉलिसी होल्डर के साथ कुछ भी हो जाता है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं देती है LIC। फ्रेंड्स, कहने का मतलब यही है कि टर्म आप चाहे 10 साल लें चाहे 40 साल लें, अगर 10 से 40 के बीच में कुछ भी होता है तभी LIC यहाँ पे आउट करती है। टर्म प्लान में कोई भी मैच्योरिटी बेनिफिट नहीं मिलता। अब दोस्तों, मैं आपको ये बता देती हूँ हमारे इस वीडियो को हम कितने किस तरीके से कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारी वीडियो को हम लोग 3 पार्ट्स में कवर करेंगे। सबसे पहला हमारा पार्ट होगा यहाँ पे क्राइटेरिया। फ्रेंड्स, इसका ये जो हमारा प्लान है इसका जो है क्राइटेरिया क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो के अंदर। पहला हमारा होगा क्राइटेरिया। फ्रेंड्स, दूसरा मैं आपको बताऊंगी कि इसमें अदर बेनिफिट्स आपको क्या क्या मिलते हैं, जैसे कि आपका ग्रेस पीरियड होता है, लोन होता है वो अवेलेबल होता है या फिर नहीं होता है, तो ये सारी चीज़ें भी मैं आपको बताऊंगी। और फ्रेंड्स, लास्ट में हम इसका इस पॉलिसी को समझेंगे एग्जांपल के द्वारा एंड डेथ बेनिफिट को भी समझेंगे, क्योंकि इस पॉलिसी में मैच्योरिटी बेनिफिट नहीं है, सिर्फ डेथ बेनिफिट होता है। तो फ्रेंड्स, हम इस पॉलिसी में डेथ बेनिफिट को समझेंगे एग्जाम्पल के साथ। तो फ्रेंड्स, ये चीज़ें हम आज की वीडियो में कवर अप करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ऐसी और वीडियोस के लिए। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट हमें ज़रूर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ हमारी वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आप लोगों को बता ही दिया है कि टर्म प्लान का मतलब यहाँ पे होता है कि ये प्योर इंश्योरेंस होता है, यानी कि इसमें मैच्योरिटी बेनिफिट कोई भी नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, ये टर्म प्लान उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छा बेनिफिट है जिनका कि फील्ड का काम रहता है, यानी कि उनको बाहर ही रहना पड़ता है अपने काम के पर्पस से, तो उनके लिए टर्म प्लान काफ़ी अच्छा होता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग काफ़ी फील्ड का काम है तो टर्म प्लान ज़रूर लीजिए, क्योंकि टाइम का देखिए कुछ भी नहीं पता होता है। और अगर आप अपनी फैमिली की सिक्योरिटी के बारे में नहीं सोचते हैं तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि आपके पास कोई और नहीं होगा जो कि आपकी फैमिली का ध्यान रखेगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं, एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, एलिजिबिलिटी में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कि इसमें जो मिनिमम एज होती है वो क्या हमारी होती है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं मिनिमम एज कैटेगरी क्या है इसमें। तो फ्रेंड्स, मिनिमम एज यहाँ पे होती है 18 साल, यानी कि अगर किसी व्यक्ति ने 18 साल कंप्लीट कर लिए हैं तो वो इस पॉलिसी को ले सकता है। दोस्तों, अगर यहाँ पे हम लोग मैक्सिमम एज की बात करें तो फ्रेंड्स, मैक्सिमम एज हमारे यहाँ पे होती है 65 ईयर्स, यानी कि 65 साल तक का कोई भी व्यक्ति इस पॉलिसी को ले सकता है। दोस्तों, नेक्स्ट मैं आपको अगर बताऊं कि प्लान टर्म इसमें क्या होता है, यानी कि आप कितने सालों के लिए इसमें पॉलिसी को ले सकते हैं, तो फ्रेंड्स, इसमें आप 10 साल से लेकर 40 साल तक का प्लान टर्म चूज़ कर सकते हैं, यानी कि 10 से लेकर 40 साल आप कोई भी प्लान टर्म यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, सम अश्योर की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो फ्रेंड्स, जो आपका मिनिमम सम अश्योर होता है फ्रेंड्स, वो आपका यहाँ पे है 25 लाख रुपये। और उससे मैक्सिमम की यहाँ पे कोई भी लिमिट नहीं होती है, वो आपकी सैलरी के जो प्रूफ होता है उसके अकॉर्डिंग आपको मिल जाता है। दोस्तों, मिनिमम सम अश्योर आपको यहाँ पे 25 लाख रुपये, यानी कि कम से कम आपको 25 लाख रुपये का इंश्योरेंस लेना ही होगा।
अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं कि इसमें प्रीमियम पेइंग टर्म कितना है। प्रीमियम पेइंग टर्म तो फ्रेंड्स प्रीमियम पेइंग टर्म जो है आपके वो यहाँ पे आपको चार ऑप्शन में मिलते हैं। दोस्तों सबसे पहला मैं आपको ऑप्शन बताना चाहूंगी। सबसे पहला आपका होता है रेगुलर प्रीमियम। रेगुलर प्रीमियम का फ्रेंड्स मतलब है कि आप जितने सालों का प्लान लेते हैं उतने सालों तक आपका प्रीमियम जाएगा। यानी कि अगर आप 20 साल के लिए प्लान लेते हैं तो आपका 20 साल प्रीमियम जाएगा, 30 साल के लिए प्लान लेते हैं तो 30 साल आपको प्रीमियम देना होगा। दूसरा फ्रेंड्स मैं आपको बताती हूँ लिमिटेड, इसमें लिमिटेड प्रीमियम होता है। फ्रेंड्स लिमिटेड प्रीमियम कितना होता है यहाँ पे, टर्म माइनस 5 ईयर्स। यानी कि जितने साल की आप टर्म लेते हैं उससे 5 साल कम आपका प्रीमियम जाएगा। तीसरा हमारे यहाँ पे होता है, ये भी सेम होता है लिमिटेड प्रीमियम टर्म, लेकिन इसमें क्या होता है आपकी टर्म जितनी होती है उससे माइनस 10 साल आपका जो प्रीमियम है वो जाता है। यानी कि अगर आपने 30 साल का टर्म लिया है तो यहाँ पे आपका 20 साल प्रीमियम जाएगा, 40 साल का टर्म लिया है तो यहाँ पे आपका 30 साल प्रीमियम जाएगा। तो फ्रेंड्स तीन मैंने आपको ऑप्शन बता दिए, पहला होता है रेगुलर यानी कि जब तक आपकी प्लान है उतना आपका प्रीमियम जाएगा, दूसरा है आपका लिमिटेड प्रीमियम टर्म जिसमें कि आपका जितना भी टर्म है उसका माइनस 5 ईयर जाएगा, तीसरा आपका है कि जितना आपका टर्म होगा उससे माइनस 10 ईयर आपका प्रीमियम जाएगा, और फ्रेंड चौथा यहाँ पे है कि सिंगल प्रीमियम। यानी कि आप सिंगल भी यहाँ पे प्रीमियम देके इस पॉलिसी को ले सकते हैं। तो दोस्तों अगर मैं कहूँगी इन चारों में सबसे सही ऑप्शन आपके लिए कौन सा होगा तो अब वो होगा रेगुलर टर्म। क्योंकि फ्रेंड एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं किसी व्यक्ति ने सिंगल प्रीमियम दे दिया वन टाइम, और इनकेस अगर वो 40 साल अगर वो सर्वाइव कर लेता, उसने 40 साल की पॉलिसी ली थी और वो 40 साल सर्वाइव कर लेता है तो फ्रेंड्स उसका तो पैसा यहाँ पे जो है यहाँ पे सारा वेस्ट हो गया क्योंकि उसने वन टाइम में ही दे दिया। तो फ्रेंड्स और आपको करना क्या है कि आप हो सके तो रेगुलर ही चूज़ करें। तो फ्रेंड्स रेगुलर जो है आपके लिए ऑप्शन बेस्ट रहता है। अगर आप पॉलिसी बंद भी करना चाहते हैं तो बीच में बंद कर सकते हैं, इसमें आपको ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर आप सिंगल यहाँ पे देते हैं एक बार में पैसा और तब अगर आप अगर बीच में उसको बंद करवाना चाहते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो फ्रेंड्स आप रेगुलर टर्म वाली ही यहाँ पे इंश्योरेंस लीजिए। फ्रेंड्स नेक्स्ट मैं आपको बता देती हूँ सम अश्योर के बारे में। तो फ्रेंड्स इस पॉलिसी में जो सम अश्योर होता है वो भी आपको दो ऑप्शन में मिलता है। दोस्तों पहला आपका होता है इंक्रीज सम अश्योर, इंक्रीजिंग सम अश्योर। यानी कि फ्रेंड्स आपका सम अश्योर क्या रहता है, बढ़ता जाता है। इसका कहने का मतलब है कि जो आपका रिस्कवर है रिस्कवर भी उसके साथ साथ बढ़ता जाता है। तो पहला आपका होता है इंक्रीजिंग सम अश्योर, दूसरा आपका होता है लेवल अप सम अश्योर। यानी कि आपको जो सम अश्योर है वो एक ही रहता है, इसमें नहीं बढ़ता। तो फ्रेंड्स दो ऑप्शन होते हैं इंक्रीजिंग सम अश्योर, लेवल अप सम अश्योर। तो फ्रेंड्स इसमें से जो भी आपको पसंद हो आप वो वाला ले सकते हैं। अब फ्रेंड्स आगे यहाँ पे आपसे कुछ हैबिट भी पूछी जाती हैं। अगर आप फॉर्म जब फिल करेंगे तो आपसे हैबिट पूछी जाएंगी कि आप ड्रंक तो नहीं करते हैं, आप स्मोकिंग तो नहीं करते हैं। तो फ्रेंड्स अगर कोई व्यक्ति है थोड़ी बहुत करता है, इट मीन कि साल में 2-3 बार, महीने में 1-8 बार, तो फ्रेंड्स वो जो है आजकल सब करता है वो नॉर्मल हो जाता है। लेकिन अगर कोई बिल्कुल ही देवदास है वो पूरे दिन ही नशे में रहता है तो फ्रेंड्स ऐसे व्यक्ति को तो सबसे पहली चीज इंश्योरेंस मिलेगा ही नहीं जो पूरी तरीके से नशे में डूबा रहता है। तो फ्रेंड्स अगर कोई भी व्यक्ति थोड़ा बहुत भी करता है तो उसको क्या करना है, पॉलिसी लेते टाइम उसे बताना है कि कितनी क्वांटिटी में वो उसको यूज करता है, ताकि इन केस अगर इन फ्यूचर जो पॉलिसी पे क्लेम आता है इसी रीजन से आता है और आपने ये चीज़ ओपन अप नहीं की थी इंश्योरेंस कंपनी के साथ तो ये फ्रॉड माना जाता है और जो क्लेम होता है वो पास नहीं होता है तो आपके नॉमिनी को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। तो हैबिट आपकी कोई भी अगर कोई भी बुरी है, ड्रंक स्मोकिंग थोड़ा बहुत ही है, तो वो ओपन अप ज़रूर कीजिए, उसको कोई भी क्लोज मत रखिए, उसे बताइए ज़रूर। अब चलिए फ्रेंड्स मैं आपको अदर बेनिफिट्स के बारे में बता देती हूँ कि इस पॉलिसी में आपको जो अदर बेनिफिट्स होते हैं वो यहाँ पे क्या क्या मिलता है। सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आपको बता देती हूँ ग्रेस पीरियड। दोस्तों ये जो ग्रेस पीरियड होता है, हमारी जो नॉर्मल पॉलिसीज होती हैं उसमें नॉर्मली आपको मंथली, जो मंथली है उसमें आपको 15 दिन का मिलता है,
और ईयरली, हाफ ईयरली और क्वार्टरली में आपको 30 दिन का मिलता है। यानी कि अगर आपकी ड्यू डेट आज की है तो फ्रेंड्स आप अगर आज जमा नहीं करवा पाते हैं तो फ्रेंड्स नेक्स्ट मंथ में इसी तारीख से पहले पहले अगर आप जमा करवा देते हैं तो कोई भी पेनल्टी नहीं लगती है। और अगर उस डेट पे आप जमा नहीं करवा पाते तो क्या होता है फ्रेंड्स, पेनल्टी लग जाती है। फ्रेंड्स ये मैं आपको बता रही हूँ जो हमारा टर्म प्लान नहीं होता है, जो हमारा सिंपल प्लान होता है उसमें। लेकिन फ्रेंड्स अगर हम लोग बात करें टर्म प्लान में ग्रेस पीरियड किस तरीके से मिलता है, तो फ्रेंड्स टर्म प्लान में आपका जो भी मोड हो आपको सिर्फ और सिर्फ 15 दिन का ही ग्रेस पीरियड मिलता है। यानी कि अगर आपकी ड्यू डेट थी और उसको 15 दिन हो चुके हैं, आज लास्ट दिन है, तो फ्रेंड्स आज ही रात में 12 बजे के बाद आपकी जो पॉलिसी है वो लैप्स हो जाती है। दोस्तों ये टर्म प्लान पॉलिसी काफ़ी जल्दी लैप्स होती है, उसमें 15 दिन के बाद पॉलिसी लैप्स हो जाती है। तो फ्रेंड्स इसमें प्रीमियम का काफ़ी ध्यान रखें, टाइम टाइम पर अपना प्रीमियम जो है भरते रहें ताकि आपकी पॉलिसी लैप्स ना हो। अब दोस्तों इसके बाद मैं आपको बता देती हूँ कि लोन इस पॉलिसी में आपको मिलता है नहीं मिलता। तो फ्रेंड्स लोन का ऑप्शन इसमें आपको नहीं मिलता है। प्लस अगर मैं बात करूँ सरेंडर की, तो फ्रेंड्स सरेंडर तो आप कर सकते हैं लेकिन आपको सरेंडर वैल्यू कुछ भी नहीं मिलेगी। यानी कि आप अपनी पॉलिसी को बंद करवाना चाहते हो तो कर दीजिए, लेकिन आपने जो भी पैसा जमा किया है उसमें से आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड्स ये दो चीज़ें आपने समझ ली होंगी। फ्रेंड्स नेक्स्ट मैं आपको बता दूँ कि राइडर्स में कौन सा मिलता है। तो फ्रेंड्स इसमें आपको जो राइडर है वो मिलता है एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर, एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर। तो फ्रेंड्स यही एक राइडर है जो इस पॉलिसी के अंदर में मिलता है। तो फ्रेंड्स ये थे इस पॉलिसी के कुछ अदर बेनिफिट जो कि आपको बताना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था। तो फ्रेंड्स ये चीज़ें आपने समझ ली होंगी। और फ्रेंड्स इस पॉलिसी में मैच्योरिटी कुछ भी नहीं होती है, मैच्योरिटी ज़ीरो होती है, ये भी आपने समझ ली होगी। चलिए फ्रेंड्स अब मैं अपनी सारी बातों को एक बार एग्जांपल के साथ भी समझा देती हूँ। तो दोस्तों एग्जांपल समझने के लिए सबसे पहले आपको अपने डिवाइस में जो मैंने आपको ऐप बता रखा है स्मार्ट ऑल इन वन, इसको आप डाउनलोड कर लीजिए। और डाउनलोड करने के बाद इसको फ्रेंड्स ओपन कीजिए। अगर आप लोगों ने डाउनलोड कर रखा है तो इसको आप ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद आपको जाना है प्लान प्रेजेंटेशन में। फ्रेंड्स प्लान प्रेजेंटेशन में जाने के बाद सबसे पहले आपको मिलता है इंडोमेंट प्लान, दूसरे नंबर पर आपको मिलता है होल लाइफ प्लान, तीसरे नंबर पर आपके आते हैं मनी बैक प्लान, चौथे नंबर पर फ्रेंड्स हमारे हैं चाइल्ड प्लान्स, और फ्रेंड्स पाँचवें नंबर पर हमारे आते हैं टर्म प्लान्स। तो फ्रेंड्स टर्म प्लान्स में हमारे पास तीन प्लान है जिसमें कि न्यू जीवन अमर प्लान मैंने आपको बताया है, जिसका कि हम यहाँ पे एग्जांपल समझेंगे। तो फ्रेंड्स आपको सबसे पहले न्यू जीवन अमर जो प्लान है इसको ओपन कर लेना है। दोस्तों ओपन करने के बाद यहाँ पे सिंपली आपको सारी चीज़ें देखने के लिए मिल जाती हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको कुछ भी नाम डाल देना है, और फ्रेंड्स एज यहाँ पे मैं 30 एज डालूँगी, आप अपने एज के अकॉर्डिंग भी कैलकुलेट कर ले सकते हैं। जेंडर यहाँ पे आप डालिए, आप मेल है तो मेल डालिए, फीमेल है फीमेल डालिए। उसके बाद अगर स्मोकिंग करते हैं तो वो यहाँ पे बताइए, स्मोक करते हैं नहीं करते, वो सारी चीज़ें यहाँ पे बताना ज़रूरी होता है। इसी अकॉर्डिंग जो आपका प्रीमियम है वो कैलकुलेट होता है। दोस्तों यहाँ पे सम अश्योर के दो ऑप्शन मिलते हैं, लेवल अप सम अश्योर और इंक्रीजिंग सम अश्योर। तो फ्रेंड्स लेवल सम अश्योर पे ही हम क्लिक रहने देंगे। प्रीमियम ऑप्शन में आपको चार ऑप्शन यहाँ पे मिल जाते हैं, मैं यहाँ पे रेगुलर प्रीमियम ही सिलेक्ट करूँगी। टर्म में मैं यहाँ पे 40 साल कर लूँगी और मैं यहाँ पे अपना सम अश्योर रखूँगी 50 लाख रुपये। इसके बाद ए बी यानी कि एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर पे क्लिक करके मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूँगी। दोस्तों कैलकुलेट करते ही देखिए यहाँ पे साफ जो भी चीज़ें हैं साफ आ जाएंगे। सम अश्योर है 50 लाख रुपये, टर्म है 40 साल, प्रीमियम पेमेंट टर्म भी है 40 साल, और यहाँ पे मुझे नीचे एक्सीडेंटल कवर मिलता है 50 लाख का। यानी कि अगर मेरे साथ कोई भी मिसहैपनिंग होती है तो मुझे यहाँ पे एक्सीडेंट में अगर मेरे साथ कुछ होता है तो मेरे नॉमिनी को 1 करोड़ रुपये यहाँ पे आउट हो जाएगा। अब दोस्तों प्रीमियम यहाँ पे देखिए, ईयरली प्रीमियम यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो जा रहा है 19,120 रुपये, और जो हाफ ईयरली यहाँ पे जा रहा है वो जा रहा है 9,721 रुपये। दोस्तों यहाँ पे बेनिफिट पैटर्न बना हुआ है कि लाइफ कवर, या आप लोग यहाँ पे देख के समझ सकते हैं कि किस तरीके से कब तक आपको प्रीमियम देना है, कितना आपको प्रीमियम देना है, कब तक आपका लाइफ कवर रहेगा। और फ्रेंड्स इसके बाद आपको यहाँ पे बेनिफिट एंड कवरेज टेबल नीचे देखने के लिए मिल जाती है कि आपका कितना कितना प्रीमियम जाएगा और किस एज पे आपका जो कवरेज है वो कितनी रहेगी। तो फ्रेंड्स यहाँ से ही आप सारी चीज़ें समझ सकते हैं, और इस सारी चीज़ों को देखने के बाद आई होप आप लोगों को ये प्लान काफ़ी अच्छे से समझ में आया हो। दोस्तों अगर हम लोग बात करें कि अदर
कंपनी के अकॉर्डिंग जो इसमें प्रीमियम है ये काफ़ी ज़्यादा है। तो फ्रेंड्स ज़्यादा तो है, लेकिन अगर हम लोग बात करें कि LIC क्लेम देते वक्त इतना आपको परेशान नहीं करती है अगर किसी व्यक्ति के साथ कोई मिसहैपनिंग होती है तो। लेकिन फ्रेंड्स अगर हम लोग बात करें प्राइवेट कंपनी की तो उनका जो है सिस्टम थोड़ा अलग होता है। बट LIC में अगर आपने पहले भी पॉलिसी ली होगी तो आपको पता ही होगा कि LIC में जब आपकी मैच्योरिटी आती है, अगर आप अपनी मैच्योरिटी लेना भूल भी जाते हैं तब भी LIC आप लोगों को फ़ोन कर करके बुलाती है कि आप आइए और अपनी मैच्योरिटी लेकर जाइए। तो अगर आप लोगों को LIC जैसी कंपनी में भरोसा है तो आप ये प्लान ले सकते हैं, काफ़ी अच्छा ये प्लान है। सो फ्रेंड्स चलिए इसी के साथ आगे चलते हैं। सो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को वीडियो काफ़ी पसंद आई हो। दोस्तों वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड्स अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी के साथ साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, खुश रहिए। बाय फ्रेंड्स।